जय हिंद। आज जान ही रहे होंगे आप लोग कि आज हमारा शिक्षक दिवस है जो कि पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। तो इसलिए आप सभी को, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे दिल से आप लोगों को शुभकामनाएं शिक्षक दिवस की। चलिए थोड़ा सा आज हम लोग शिक्षक दिवस के विषय में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, शिक्षक दिवस जो है वो मनाते आखिर किस लिए हम लोग, वो रीज़न हम लोगों को पता होना चाहिए। तो शिक्षक दिवस जो है एक तरह से समझिए कि एक दिन है जो कि जितने भी शिक्षक हैं, ये तो खास करके राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है ये शिक्षक दिवस, जो 5 सितंबर को आज हम लोग मना रहे हैं। तो जितने भी हमारे भारतीय शिक्षक हैं, ये आज का जो दिन है 5 सितंबर, ये उनको एक तरह से समझिए कि समर्पित है। जितने भी आज से पहले के शिक्षक हुए या फिर जो होने वाले हैं शिक्षक या फिर जो अभी शिक्षक हैं, तो ये एक दिन तय कर दिया गया, आज का दिन उन्हीं के लिए समर्पित होगा। और एक चीज़ और इसमें देखा जाएगा कि आखिर आज ही के दिन को क्यों चुना गया, 5 सितंबर को ही क्यों चुना गया। इससे एक समझिए कि इससे रिलेटेड एक बात भी है, क्या है कि हमारे देश के जो प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे, श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ठीक है, वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी उनको बोला जाता है। खैर, तो वो क्या है कि उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था, ठीक है, एक तिरुत्तनी गांव था वहीं पे उनका जन्म हुआ था, 5 सितंबर 1888, ठीक है। तो वे जो थे शुरू से ही बड़े होनहार थे, और साथ ही वे जब आगे चल के वे एक शिक्षक बने, और उन्हीं के लिए, उन्हीं की याद में, उन्हीं को एक तरह से समझिए कि उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि वो पेशे से शिक्षक तो थे ही, साथ में वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति भी थे पहले, उसके बाद वे फिर राष्ट्रपति भी बने, तो उनको एक समझिए कि सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए उन्हीं के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, क्योंकि वे पेशे से शिक्षक भी थे। और कई बार ऐसा हुआ है कि वे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति रहते हुए भी कई कॉलेजों या स्कूलों में जाकर पढ़ाया करते थे और उस शिक्षा दिया करते थे बच्चों लोगों को। थोड़ा सा एक समझिए कि एक दुख की बात भी है। क्या दुख की बात है वो बताना चाहूँगा। इससे पहले मैं ये बता दूँ कि किसी देश का अगर आधार है, आधार मतलब कि समझिए कि बेस, जिसके बलबूते कोई खड़ा है, जैसे कि कोई बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता है, कोई भी बड़ा बिल्डिंग है, तो वो आखिर वो मजबूत तभी होगा जब उसका फाउंडेशन मजबूत होगा। फाउंडेशन अगर मजबूत है तो वो बिल्डिंग पूरा मजबूत होगा, लेकिन अगर फाउंडेशन ही कमजोर रहेगा तो उसका फाउंडेशन जो वही आधार कहलाता है। ठीक उसी तरह हमारे देश के भी, मेरे द्वारा मैं मानता हूँ कि 3 लोग ऐसे हैं जो हमारे देश का समझिए आधार है। कौन कौन? सबसे पहले तो आता है किसान, क्योंकि किसान से बढ़ के कुछ है ही नहीं। समझिए किसान मतलब जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर चीज कोई है तो वो है भोजन और पानी, यही है, मतलब एक तरह से समझिए भोजन ही, और भोजन को उपलब्ध कराने वाला एक किसान ही होता है, और इसलिए हम किसान का ऋणी है एक तरह से समझिए, और उसका ऋण को कभी चुकाया नहीं जा सकता है किसान का। तो एक किसान हो गया, दूसरा कि शिक्षक हो गया। शिक्षक अपने शिक्षा के माध्यम से किसी देश के विकास में बहुत अहम योगदान देता है। मान लीजिए कि अभी, मान के चलिए कि अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी हैं, चाहे हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, चाहे और भी लोग जो अभी हैं, चाहे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो अपने देश में बहुत ही अपना योगदान देते हैं, अर्थव्यवस्था में उनका काफ़ी योगदान है, जैसे मुकेश अंबानी भी हुए, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे बिजनेसमैन हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो अपने देश में कुछ ना कुछ योगदान दे रहा है, आखिर वो योगदान दे रहा है तो ये शिक्षा उनको आखिर मिला कहाँ से? किसी न किसी शिक्षा से वो इस चीज़ को प्राप्त किए होंगे, इस ज्ञान को प्राप्त किए होंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक शिक्षक ही होता है जो किसी देश के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान देता है। दूसरा ये तो हो गया, दूसरा। तीसरा, एक मजदूर जो होता है अपनी कड़ी मेहनत से किसी देश की कंस्ट्रक्शन को, किसी देश को बनाने में बहुत ज़्यादा योगदान देता है। जैसे आज बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, सड़क बन रही है इतनी सारी, चाहे फिर बहुत सारा ऐसा कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है जो कि किसी देश का विकास, डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा योगदान है। अच्छा देखिए, डेवलपमेंट का मतलब ही होता है कि मतलब कि कंस्ट्रक्शन पावर बहुत ज़्यादा होना चाहिए उसके पास, और भी तरह तरह से हर चीज़ सुख सुविधा होना चाहिए, तो वो सुख सुविधा फिर आ कहाँ से रहा है? कोई ना कोई मजदूर ही उसको बना रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 3 लोगों का बहुत बड़ा योगदान है किसी देश के विकास में। सबसे पहले किसान, दूसरे में शिक्षक, और तीसरे में मजदूर। लेकिन बड़े दुख की बात है कि इन 3ों का ही जो समझिए कि
स्थिति जो है हमारे देश में मेरे अनुसार बहुत अच्छा नहीं है। अब मैं सरकारी शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके तो चलिए अच्छी सैलरी आती है तो खैर उनका नहीं है, लेकिन जो हमारे देश के प्राइवेट शिक्षक हैं खास करके, ऐसा नहीं कि 100% प्राइवेट शिक्षक का स्थिति खराब ही है या 100% सरकारी शिक्षक का स्थिति अच्छा ही है, ऐसा नहीं है। किसी भी चीज़ में 100% तो खैर नहीं होता है, लेकिन शिक्षक की स्थिति, किसान की स्थिति और मजदूर की स्थिति हमारे देश में बहुत ही मतलब दयनीय है। और किसी देश के विकास में ये तीनों का ही बहुत अहम योगदान है। और अगर कोई देश विकसित होना चाहता है पूर्ण रूप से, तो सबसे पहले इन तीनों को ही मजबूत करना होगा, इन तीनों की स्थिति को मजबूत करना होगा, तभी किसी देश का विकास पूर्ण रूप से संभव है, वरना संभव नहीं है। आप जो भी विकसित देश हैं वहाँ पर आप देख सकते हो, उनके डाटा को आप पढ़ सकते हो कि वहाँ पे क्या है कि शिक्षक का भी स्थिति बहुत अच्छा है, वहाँ के मजदूरों का भी स्थिति अच्छा है और साथ ही वहाँ के किसानों की भी स्थिति जो है वो काफ़ी अच्छी है। लेकिन हमारे देश में मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, इन तीनों की स्थिति बहुत मतलब ख़राब ही है समझिए। लेकिन क्या किया जाए, मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि जनता कर सकती है। आप लोगों को ये एक तरह से समझिए जागरूक होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं देखिए हमारी भी गलती होती है, हम क्या करते हैं कुछ भी अगर हमारे समाज में हमारे आसपास में कुछ भी कमियां है ना, तो हम सीधा उसका जिम्मेवारी हम उसको सरकार को दे देते हैं, अपने जो भी सरकार है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, लेकिन हम अपनी गलतियों को नहीं सुधारते हैं। यही तो बात है ना कि हम अपनी गलतियों का जिम्मेवारी किसी और पर थोप देते हैं कि नहीं भाई आप ही की गलती है, मेरी गलती नहीं, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी देश को विकसित होना है तो कहीं ना कहीं उसकी जनता पर भी ये जिम्मेवारी आती है कि वे जागरूक हों वे हर चीज़ में। मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि आप अपने देश का योगदान सिर्फ आर्मी या मतलब आर्मी बन के या सैनिक बन के या नेता बन के ही आप नहीं कर सकते हो अपने देश के विकास में योगदान, आप अपने आसपास की चीज़ों से भी उसको अच्छा करके आप देश में योगदान अपना दे सकते हो। खैर इस मैटर पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन शिक्षक की स्थिति में मैं खुद एक शिक्षक हूँ तो मैं वो अपनी बात करता हूँ। बाकी आपसे कुछ छुपा नहीं है कि किसानों की स्थिति भी वही हाल है और मजदूरों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। बहुत अच्छी क्या, अच्छी नहीं है सिर्फ बोलिए कि खराब ही है समझिए एक तरह से। खैर ये तो बात की है, लेकिन शिक्षकों की स्थिति इसलिए भी खराब है क्योंकि अभी जैसे देखिए कि गवर्नमेंट टीचर्स जो भी हैं, एक मैं सबसे बड़ा बात बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट टीचर्स सभी बनना चाहते हैं, सभी लोग जो भी टीचर वाले जॉब में जाना चाहेंगे वे गवर्नमेंट टीचर बनने की इच्छा जरूर रखते हैं, लेकिन कभी अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्ट बात है। आप आसपास के जो भी सरकारी शिक्षक होंगे आप देखिएगा, उनके बच्चे कभी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते होंगे, वे भी उनके भी बच्चे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों या पब्लिक स्कूलों में पढ़ते होंगे। ये एक बहुत बड़ा मतलब समझिए कि शिक्षकों में भी कमी है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि 100% सारे शिक्षक जो है वो अच्छे ही होते हैं, बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ शिक्षक तो बहुत अच्छे होते हैं, कुछ शिक्षक अच्छे होते हैं और कुछ शिक्षक तो शिक्षक कहलाने के लायक भी नहीं होते हैं। खैर मैं ये उनके नहीं बोल सकता हूँ किसी को, लेकिन ये चीज़ आप लोगों को ये समझना होगा कि मैं ये खास करके देखा हूँ कि आज कुछ लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि शिक्षा का व्यापार हो रहा है, शिक्षा का व्यापार हो रहा है। कहीं ना कहीं देखिए ठीक है, शिक्षा का व्यापार तो हो रहा है, आप शिक्षक को दोष दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं, कुछ शिक्षक हैं जो शिक्षा का व्यापार कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ क्या अभिभावक शिक्षा का व्यापार नहीं कर रहे हैं? जो अभिभावक हैं, जो जिनके बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, पढ़ते हैं विद्यालयों में, क्या वे शिक्षा का व्यापार नहीं कर रहे हैं? वो भी शिक्षा का व्यापार कर रहे हैं, वे भी तय करते हैं कि किस स्कूल में हम ज़्यादा फीस लग रहा है वहाँ पे ही हम देंगे। कुछ खास स्कूलों का इतना क्रेज़ बढ़ चुका है कि वे भी चाहते हैं कि नहीं हम वहाँ पे अधिक फीस लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन हम वहाँ पे देंगे। और उनको मतलब भी नहीं है, वे अपनी मतलब मुक्त हो जा रहे हैं, मतलब एक समझिए कि वे ये माइंडलिटी बैठा चुके हैं ना कि मैं इस स्कूल में बच्चे को दे दिया, अब उनकी जिम्मेदारी मेरे बच्चे को अच्छा करना। कभी खुद से माँ बाप भी एक शिक्षक का रोल अदा कर सकता है। माँ बाप जो होता है, अगर किसी बच्चे का पहला शिक्षक कोई होता है तो वो माता और उसके पिता होते हैं। लेकिन कुछ माता पिता जो इस चीज़ से भाग जाते हैं, अपनी जिम्मेवारियों से भाग जाते हैं, वे समझते ही नहीं कि बच्चों को एक तरह से कि शिक्षा उनको देना है सबसे पहले, वे स्कूलों के भरोसे छोड़ देते हैं कि नहीं अब जो होगा स्कूल में ही होगा, जो उनको शिक्षा मिलेगी स्कूलों से ही मिले। नहीं, एक पारिवारिक शिक्षा जो होता है वो एक माता पिता से अच्छा कोई नहीं दे सकता, एक शिक्षक भी नहीं दे पाएगा, ठीक है। वो जो शिक्षक होगा वो अपने बच्चों को दे सकता है वो शिक्षा, लेकिन आपके बच्चों को वो शिक्षा नहीं दे सकता है, क्योंकि आप अपने ढंग से आप अपने पारिवारिक शिक्षा को आप अपने बच्चों में उतार सकते हो।
लेकिन बहुत माता पिता होते हैं जो अपनी जिम्मेवारियों से भाग जाते हैं, वो प्ले स्कूल हो गया चाहे वहाँ स्कूलों में डाल देते हैं, उनके बाद उनकी जिम्मेवारी खत्म, वे सिर्फ अपनी जिंदगी में लगे रहते हैं। ऐसे नहीं चलेगा काम। आप लोगों को भी अपने बच्चों को शिक्षित बनाने में आप लोगों को योगदान देना होगा। आजकल तो देखिए ना, स्कूलों में शिक्षा जो होती है वो बहुत हद तक किताबी ज्ञान के रूप में ही रह गया है, और कुछ वैसा कुछ शिक्षा उनको नहीं मिल सकती, संस्कारों की शिक्षा नहीं मिल सकती है स्कूलों से। कुछ स्कूल, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% स्कूलों का, स्कूल में डिसिप्लिन हो सकता है, डिसिप्लिन हो सकता है, डिसिप्लिन कहने का मतलब रूल रेगुलेशन हो सकता है स्कूलों का, लेकिन संस्कार जो है वो आपको माता पिता को ही देना पड़ेगा। और जो संस्कार का शिक्षा अगर माता पिता देते हैं ना, तो असली शिक्षक वही कहलाते हैं। मैं शिक्षक हूँ, अगर कोई शिक्षक अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मैं उन शिक्षकों से भी ये अनुरोध करता हूँ कि हो सकता है माता पिता अगर किसी को संस्कार की शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन ये आपका भी कर्तव्य कहीं ना कहीं बनता है कि आप बच्चों को संस्कार दें, संस्कार की शिक्षा दें कि असली मतलब आदर्श कैसे बना जा सकता है। ऐसे तो आदर्श 100% तो कोई नहीं बन सकता है, बट 99% तो जरूर बना जा सकता है। तो मैं शिक्षकों से या माता पिता से या फिर विद्यार्थियों, जो भी इस वीडियो को विद्यार्थी लोग जो देख रहे हैं उनसे भी मैं आग्रह करता हूँ कि आप अपने अंदर संस्कार को जगाइए। और माता पिता या शिक्षकों से अनुरोध है कि आप बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान या डिसिप्लिन सिखाने के बाद आप उनको संस्कार की भी शिक्षा दीजिए, क्योंकि संस्कार से बढ़ के दुनिया में और कुछ है ही नहीं। संस्कार अगर अच्छा है तो आप जिंदगी, आप समझिए कि असली जिंदगी आप ही जी रहे हो अगर आपका संस्कार अच्छा है। लेकिन आप कितनों भी किताबी ज्ञान ले लो, आप बहुत बड़े पद पे चले जाओ, अगर आप में संस्कार नहीं है तो फिर आपका जो भी कुछ आपने ग्रहण किया है ना, वो सारा का सारा व्यर्थ है। लेकिन अगर संस्कार है, देखिए शिक्षा का मतलब यही सिर्फ नहीं होता कि आप किताब का ज्ञान ले लिए तो वो शिक्षा पा गए, आप शिक्षित हो गए, नहीं, ऐसा बात नहीं है। शिक्षित होने के लिए आपको हर तरह से आपको शिक्षित होना पड़ेगा। आपका संस्कार अच्छा होना चाहिए, आप डिसिप्लिन में होना चाहिए, आपका पर्सनैलिटी अच्छा होना चाहिए, आप किस तरह से रहते हो वो अच्छा होना चाहिए, आपका ज्ञान भी कितना है आपका है वो भी अच्छा, मतलब अच्छा होना चाहिए। तो एक सभी तरह से सभी रूप से मिलकर एक शिक्षा का निर्माण होता है, और वही लोग शिक्षित कहलाते हैं जो सभी तरह से परिपूर्ण हों। ये सबसे बड़ी बात होती है। और अब अंत में नहीं ज़्यादा कुछ कहते हुए बस इतना ही मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे कि कृपया करके अपने बच्चों में संस्कार भरिए। संस्कार की बहुत कमी होती जा रही है आजकल, अपनी संस्कृति को खोते जा रहे हैं लोग, अपनी परंपराओं को खोते जा रहे हैं। आजकल का ये ट्रेंड चल गया है ना कि अगर आप शिक्षा, जैसे क्या हो जाता है ना कि अगर बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गए तो बस अपनी संस्कृति से हट गए, अपनी परंपराओं, अब परंपराओं पे ही आप नुक्स निकालने लगे। यही होता है, देखिए जब बच्चा ज़्यादा पढ़ जाता है ना तो अपने माता पिता में उसको बहुत सारी कमियां नजर आने लगेगी, और वही तरह से फिर उसको अपनी संस्कृति में, अपनी परंपराओं में कमियां दिखने लगेगी। अरे ये ऐसा नहीं, यही तो बात है ना कि आप शिक्षित हुए ही नहीं, आप सिर्फ किताबी ज्ञान लिए, उसी आधार पर आपने कह दिया कि मेरे माता पिता में ये कमी है, मेरी संस्कृति में ये कमी है, मेरे परंपराओं में ये कमी है, आप कमियां निकालने लगे। ये शिक्षित का गुण नहीं है। शिक्षित का गुण ये है, आप संस्कारी भी बनिए और अपने संस्कृति को जानिए, उसमें खोजिए कि आखिर ये संस्कृति हम लोगों को मिली आखिर क्यों मिली। तिलक लगाने का हम लोगों का संस्कृति है खास करके, तो तिलक लगाने का संस्कृति यूं ही नहीं है। आप देखते होंगे कि मेरे हर वीडियो में मैं तिलक लगाता हूँ, मैं ऐसे डेली तिलक लगाता हूँ। तो तिलक लगाने का एक संस्कृति है हमारी ये, और ये यूं ही नहीं, अगर साइंटिफिक तौर पे देखें तो मैं गूगल में एक दिन सर्च कर रहा था तो उसमें मुझे पता चला कि तिलक लगाने से, ऐसे तो हमारे धर्म ग्रंथ में भी ये दिया हुआ है कि तिलक लगाने से जो ना ध्यान जो आपका होता है वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है, ध्यान आप लगा सकते हो आसानी से। और अगर इसको साइंटिफिक तौर पे देखें तो साइंस भी ये कहता है कि तिलक लगाने से आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। कंसंट्रेट, आप किसी भी चीज़ पर कंसंट्रेट, देखते होंगे आजकल के बच्चों का ध्यान, यही तो प्रॉब्लम है आजकल के बच्चों का कि उनका ध्यान एक तरफ नहीं रहता है, वो इधर देख रहे हैं तो ध्यान उनका उधर है, या फिर उधर देख रहे हैं तो ध्यान इधर है, मतलब उनका ध्यान बट जा रहा है। तो आप, ये साइंटिफिक लॉजिक है इस पे कि अगर आप तिलक लगाते हो आपका कंसंट्रेशन पावर मजबूत होगा। ये मैं गूगल के आधार पे बोल रहा हूँ, और ये धर्म ग्रंथों में भी हमारा तिलक का महत्व समझाया गया है। खैर ये छोड़िए, तो मैं इतना ही कहूँगा कि अपने बच्चों में संस्कार डालिए, और शिक्षकों से भी मैं अनुरोध करूँगा कि जो भी बच्चे उनके पास शिक्षा ग्रहण करने आते हैं तो किताबी ज्ञान के अलावा उन्हें समाज की ज्ञान भी दिया जाए, और उनकी संस्कृति से रूबरू कराया जाए, उन्हें उनकी परंपराओं के बारे में बताया जाए, और खास ही सबसे बड़ी बात कि उनके संस्कारों को भी बताया जाए कि किस तरह से एक संस्कारी पुरुष बना जा सकता है। तो अंत में ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।